अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 26 जनवरी को अपना विश्व आर्थिक अपडेट रिपोर्ट जारी करने वाला है। भारत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए लॉकडाउन लागू करना बेहद नाटकीय था, जहां लोग एक साथ इतने करीब से जुड़े। IMF प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कोरोना वायरस महामारी और इसके आर्थिक परिणामों से निपटने के लिए भारत द्वारा उठाए गए निर्णायक कदमों की सराहना की है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस साल और अधिक कोशिश करने के लिए कहा है। IMF की प्रबंधक निदेशक ने गुरुवार को एक वैश्विक मीडिया राउंड टेबल डिस्कशन के दौरान आगामी वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में भारत के लिए कम खराब दृष्टिकोण की भविष्यवाणी की और कहा कि ऐसा भारत द्वारा उठाए गए आर्थिक सुधार के कदमों के कारण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के लिए जो किया है वो बेहद सराहनीय है। ये वास्तव में उभरते बाजारों के लिए औसत से थोड़ा अधिक है। उभरते बाजारों के औसतन GDP का 6% योगदान दिया है। भारत में ये थोड़ा ऊपर है। ये भारत के लिए अच्छा है और वहाँ अभी भी बेहतर करने की गुंजाइश है। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत।